ब्लैक सम्नर एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि केल्विन अर्क डेमन विक्टर से लड़ने वाला है, जिसको देखकर वो हंसने लगता है और वो उससे कहता है कि वो उसने आज तक कभी भी इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से नहीं लड़ा, इसलिए केल्विन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है उससे लड़ने के लिए। जिसके बाद विक्टर केल्विन से कहता है कि अगर तुम इतने एक्साइटेड हो तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। जिसके बाद विक्टर काले जर्दे का यूज़ कर हेड आर्मी को जगा देता है। सभी हेड आर्मी केल्विन की पार्टी के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, जिसके बाद केल्विन को पता लग जाता है कि सभी हेड आर्मी में रैंक बी के मॉन्स्टर हैं, लेकिन केल्विन कहते हैं इससे कुछ नहीं होता। जिसके बाद केल्विन विंड शॉट का यूज़ कर सभी हेड आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं गेराल्ट भी केल्विन की हेल्प कर कुछ मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन तभी और भी ज़्यादा मॉन्स्टर उनमें से निकलने लगते हैं, जिसके बाद केल्विन और गेराल्ट दोनों मिलकर डीमन से लड़ने वाले होते हैं, जिसके बाद वो दोनों धीरे धीरे कर उन डीमन्स को हराने लगते हैं। केल्विन को लड़ता देख विक्टर केल्विन की तारीफ करके कहता है कि केल्विन काफ़ी ज़्यादा यंग है, लेकिन उसके पास लड़ने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि हेड आर्मी को केल्विन ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। केल्विन विक्टर से पूछते हैं कि क्या उसे डर नहीं लग रहा है, जिसके बाद विक्टर से कहते हैं कि तुम लड़ने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन लगते हो और ये ऐसा तब से है जब से तुम उससे लड़ने आए हो। केल्विन उसे बताते हैं कि उसको लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसलिए वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। जिसके बाद विक्टर केल्विन को कहते हैं कि मैं तुम्हारी फेस की स्माइल को मिटा दूंगा, जिसके बाद विक्टर ज़मीन के ऊपर पंच मारता है, जिसके बाद हर जगह स्मोक हो जाता है। तो गेराल्ट केल्विन को बताता है कि विक्टर ने स्मोक बॉम्ब का यूज़ किया, अब हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन केल्विन गेराल्ट को बताता है कि केल्विन विक्टर को ट्रैक कर रहा है, जिसके बाद केल्विन को पता लग जाता है कि विक्टर अंडरग्राउंड है और उनके ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद विक्टर गेराल्ट के ऊपर हमला करता है, लेकिन गेराल्ट उसके अटैक को डॉज कर देता है, जिसके बाद विक्टर काफ़ी हैरान हो जाता है कि गेराल्ट ने उसके अटैक को रोक लिया। गेराल्ट अपनी तलवार का यूज़ करके विक्टर के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, जिसके बाद केल्विन कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया। लेकिन तभी केल्विन को पता लगता है कि उसके पैर के नीचे कुछ तो चीज़ आई है, जिसके बाद केल्विन कूदता है, जिसके बाद केल्विन को पता लगता है कि विक्टर की टेल उसके पीछे आ रही थी, जिसके बाद विक्टर गेराल्ट को पीछे धक्का दे देता है अपने मैजिक से। केल्विन कहने लगता है कि गेराल्ट का आर्मर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर विक्टर ने उसके ऊपर हमला कैसे किया। जिसके बाद केल्विन देखता है कि विक्टर वापस से अपनी टेल का यूज़ कर केल्विन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जैसे ही केल्विन उसको डॉज करता है उसे पता लगता है कि विक्टर उसके पीछे आकर आ जाता है और उसको खाने वाले ही होता है। लेकिन केल्विन क्लोदो को बुला लेता है, जिसे कि केल्विन बच जाता है। जिसके बाद केल्विन विक्टर को कहता है कि अगर फिजिकल अटैक तुम पर काम नहीं करेंगे तो हम लोग तुम्हारे ऊपर मैजिक ऑब्जॉर्प्शन का यूज़ कर तुम्हारे मैजिक को ही ख़त्म कर देंगे। जिसके बाद विक्टर क्लोदो को गुस्से में अपने हाथ से हटाने लगता है, जिसके बाद केल्विन कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और ग्लोरी सेंचुरी मैजिक का यूज़ करता है, जिससे कि विक्टर के हाथ बन जाते हैं। तभी विक्टर केल्विन को कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर है। वहीं गेराल्ट केल्विन के पास आता है तो केल्विन उसे बताता है कि वो विक्टर को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। तभी विक्टर केल्विन के मैजिक को तोड़ने वाला ही होता है और फ्री होने वाला ही होता है, लेकिन केल्विन कहता है कि विक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और गेराल्ट को हमला करने के लिए कहता है। केल्विन वोर्टेक्स एज का यूज़ कर गेराल्ट की स्वॉर्ड को और भी ज़्यादा एनहांस कर देता है, तो विक्टर केल्विन से हंस के कहता है कि तुम्हारा ध्यान लगता है कहीं और ही था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि विक्टर की टेल ज़मीन से निकलकर केल्विन के पीछे आ जाती है, जिसको देखकर विक्टर कहता है कि मैं अब जीत गया हूँ। जिसके बाद केल्विन स्माइल करके कहता है कि नहीं, तुम जीते नहीं हो, तुम हार चुके हो। जिसके बाद एफिल को दिखाया जाता है जो कि स्टिल्ट का यूज़ कर इतनी देर से विक्टर के पीछे इनविजिबल होकर खड़ी होती है, जिसके बाद केल्विन एफिल को विक्टर को शूट करने के लिए कहता है, जिसके बाद एफिल ब्लेज एरो का यूज़ करती है। तब विक्टर अपने हाथ से ही उसके ब्लेज एरो को रोक लेता है, जिसके कारण से विक्टर के पूरे हाथ जल जाते हैं। तभी गेराल्ट भी सामने से आता है और कहता है कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और फिर गेराल्ट उसके दूसरे हाथ पर हमला करके उसके दूसरे हाथ को काट देता है। तब केल्विन सभी लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है। वहीं विक्टर केल्विन को कहता है कि तुम ऐसे दूसरे पर्सन हो जो कि मुझे इतना ज़्यादा डैमेज दे पाए हो। तो केल्विन विक्टर से कहता है कि क्या तुम अभी हार मानते हो, क्योंकि तुम अभी लड़ने के लायक नहीं बचे हो। तो विक्टर उसको कहता है कि इतनी जल्दी, तुमने तो कहा था कि तुम लड़ने के शौकीन हो, असली बैटल तो अभी शुरू हुई है। जिसके बाद विक्टर जिन स्क्रीमेज का यूज़ कर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तो केल्विन सभी से कहने लगता है कि हम लोग इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा नहीं होने देंगे और इसके ऊपर अटैक करो। जिसके बाद केल्विन क्लेफ्ट डेटोनेशन का यूज़ करता है और एफिल भी अपनी ब्लेजरों को शूट करती है,
लेकिन एफिल और केल्विन का कॉम्बो अटैक भी विक्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है और विक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाती है। इसलिए केल्विन गेरार्ड को अपनी लॉयल्टी स्किल को फुल पावर करने के लिए कहता है और फिर केल्विन विक्टर को फाइनल राउंड को शुरू करने के लिए कहता है। इसलिए विक्टर केल्विन की पार्टी के ऊपर अटैक करता है। केल्विन अपने अर्थन रैम्पर्ट का यूज कर विक्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर उसके अटैक को तोड़ देता है, जिसके बाद गेरार्ड विक्टर के अटैक को अपनी शील्ड से रोक लेता है। तब मेल्फिना गेरार्ड को बताने लगती है कि अगर गेरार्ड यहाँ पर हार गया तो उनकी पूरी पार्टी कोलैप्स हो जाएगी, तो उसे कैसे भी करके यहाँ पर जीतना होगा। और गेरार्ड मेल्फिना से कहने लगता है कि एक असली नाइट कभी भी नहीं हारता है। लेकिन तभी विक्टर गेरार्ड को चकमा देकर आसमान में कूद जाता है और उसके ऊपर हमला करता है, जिससे कि गेरार्ड जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद विक्टर गेरार्ड को खत्म करने वाले ही होता है। लेकिन तभी एफिल गेरार्ड को कहती है कि हार मत मानो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिसको सुनकर गेरार्ड के अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो खड़ा होकर विक्टर के ऊपर हमला करता है, जिसके बाद एफिल ऊपर से विक्टर के ऊपर अपने ब्लेजरों से हमला करती है। तो विक्टर कहने लगता है कि लगता है तुम लोगों को हार नहीं माननी आती है। तब केल्विन अचानक से उसके सामने आता है और कहता है कि हम लोग जीतने वाले हैं, इसलिए हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंस हैं। तभी विक्टर देखता है कि केल्विन ने स्लाइम को ऊपर से समन कर दिया और क्लोदो अपनी इन्वेंट्री से कर्स वेपन निकाल कर विक्टर के ऊपर हमला करने लगता है। यही मौका देखकर सभी लोग एक साथ हमला करते हैं। केल्विन सबसे पहले रेडियंस लेंसर का यूज़ करता है और वहीं एफिल ब्लेज एरो का यूज़ करती है और गेरार्ड भी अपनी सोर्ड का एक साथ यूज करता है, जिसके बाद विक्टर पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता लगता है कि पीछे तो डीमन किंग की डॉटर होती है और अगर विक्टर ने उस अटैक को डोज किया तो वो अटैक जाकर सीधा डीमन किंग की डॉटर को लग जाएगा। इसलिए विक्टर डिसाइड करता है कि वो उस अटैक को खुद के ऊपर ले लेगा और वो अटैक जाकर सीधा विक्टर को लगता है। केल्विन के कॉम्बो अटैक को रोकने के बाद विक्टर देखता है कि अटैक की वजह से दीवार टूटकर डीमन किंग की डॉटर के ऊपर गिरने वाली होती है, इसलिए विक्टर वहां पर जल्दी से जाकर उन सभी पत्थर को रोक लेता है, लेकिन वो सारे पत्थर विक्टर के ऊपर ही गिर जाते हैं, जिससे कि विक्टर की हालत काफी खराब हो जाती है, जिसके बाद वो केल्विन को कहते हैं कि तुम जीत गए हो। जिसके बाद केल्विन विक्टर के पास जाता है तो उससे पूछते है कि तुम सच्ची में डीमन किंग की डॉटर को नहीं खाने वाले थे, तो तुमने हमसे ये बात झूठ क्यों बोली कि तुम इसको खा जाओगे। तो विक्टर बताते कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मेरे साथ इस तरीके से नहीं लड़ते और डीमन किंग ने अपनी डॉटर को मुझ पर भरोसा करके दिया है। कुछ 100 सालों पहले डीमन किंग ने अपनी बेटी का मुझे गार्डियन बनाया था, जिसके बाद हम लोग को काफी साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर विक्टर डीमन किंग की डॉटर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन डीमन किंग की डॉटर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही होती है। तो विक्टर से बताते हैं कि हम लोग अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा करते रहेंगे, जिससे कि तुम और भी ज्यादा अच्छी बन जाओगी। वैसे भी डीमन ज्यादा लंबे जीते हैं, इसलिए हम लोग काफी ट्रेनिंग भी कर पाएंगे। तो डीमन किंग की डॉटर विक्टर से पूछती कि क्या वो हमेशा के लिए ही अपनी लाइफ इस मैंशन में बिताएगी, जिसके बाद वो बताते कि उसके पापा उससे मिलने के लिए हमेशा आया करते थे, लेकिन जब भी वो आते थे और जब भी वो वापिस जाते थे तो वो आने में काफी टाइम लगा देते थे। विक्टर बताते कि डीमन किंग गुस्ताव ने अपनी बेटी को सभी से छुपा के रखा ताकि उसके दुश्मन उसकी बेटी की पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके, और इसलिए डीमन किंग की डॉटर सेरा अपने घर को कभी नहीं छोड़ती थी और उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। लेकिन सभी हीरोज एक दिन गुस्ताव को ढूंढते ढूंढते मेंशन पर आ ही गए। हीरोज की पावर कुछ ज्यादा ही डेंजरस थी और वो मेंशन पूरी तरीके से टूटने वाला ही था। विक्टर बताते हैं कि वो अपने मास्टर के लिए हीरो से लड़ना चाहता था, लेकिन उसके मास्टर ने उसे ये ऑर्डर दिया कि वो आज से सेरा का हमेशा देखभाल करेगा और अगर सेरा के एग्जिस्टेंस के बारे में किसी को भी पता लग गया तो सिर्फ हीरोज ही नहीं बाकी डीमंस भी उसके पीछे आएंगे। तो इसलिए सेरा के ऊपर डीमन किंग ने एक सील को लगा दिया जिसको सिर्फ वुमन ही तोड़ पाएंगे। डीमंस और मॉन्स्टर के कंपेयर में ह्यूमन कमजोर होते हैं और इसलिए सेरा को काफी दूर एक हिडन प्लेस पे छुपा के रख दिया। विक्टर बताते हैं कि उसने काफी ज्यादा वेट किया ताकि हीरोज मर जाएं, ताकि वॉर खत्म हो जाए और एक काफी ज्यादा पीसफुल और कमजोरों का एरा आ जाए, एक ऐसा एरा जहां पर प्रिंसेस सेरा न्यू ड्यूमन किंग बन जाएगी। लेकिन विक्टर का ये प्लान फेल हो गया, जिसके बाद विक्टर केल्विन से पूछता है कि क्या वो सेरा को उसकी पार्टी ज्वाइन करने देगा। तो केल्विन उससे पूछता है कि ये कहाँ से आया अचानक से। तो विक्टर कहते हैं कि तुम्हारे काफी ज्यादा दोस्त हैं और तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो और साथ ही साथ तुम एक समनर भी हो। तो केल्विन उसे कहते हैं कि तुम्हें पता चली गया। विक्टर बताता है कि प्रिंसेस सेरा अब तक जाग भी गई होगी, जिसका मतलब है कि वो हमारी सारी बात को सुन रही होगी। जिसके बाद मेल्फिना केल्विन को बताती है कि विक्टर सच बोल रहा है। तो केल्विन विक्टर से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे सर्वेंट बनना चाहोगे क्योंकि मैं तुम्हें हील कर दूंगा।
तो विक्टर कहते हैं कि वो सिर्फ डीमन किंग को ही सर्व करता है और हील करने के लिए काफ़ी लेट हो चुका है अब। जिसके बाद वो कैल्विन को प्रिंसेस सैरा को वर्ल्ड दिखाने के लिए कहता है और वहीं मर जाता है। जिसके बाद कैल्विन सैरा के पास जाकर उस सील को तोड़ देता है। तभी आसमान से एक हेयर बैंड जैसी चीज़ सैरा के पास आ जाती है। तो कैल्विन सैरा से पूछता है कि क्या तुम मुझे सुन सकती हो। तो सैरा रोते हुए कहती है कि विक्टर और उसके पापा दोनों पागल हैं। वहीं कैल्विन मन में कहता है कि वो विक्टर की रिक्वेस्ट को पूरा करेगा। जिसके बाद कैल्विन और बाकी सब लोग सैरा को लेकर डंजन से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो प्रूफ के तौर पर उन्हें एक डीमन का फ्रेगमेंट देते हैं और वो उड को बताते हैं कि उन लोगों ने डीमन्स को हरा दिया है। तो उड उससे पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। तो कैल्विन बताते हैं कि इस लड़की को उस डीमन ने पोजेस कर लिया था और वो डीमन सिर्फ इसका यूज़ कर रहा था, इस लड़की से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कैल्विन मन में कहते हैं कि जो हेयर बैंड सैरा को मिला था उससे वो अपने डीमन्स हॉर्न और विंग को छुपा सकती है, जिससे कि वो एक नॉर्मल लड़की ही दिखे। और लगता है कि गुस्ताव ने ये चीज़ पहले से ही प्रिपेयर करके रखी थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कैल्विन गेराड को समन करता है। तो कैल्विन देखता है कि गेराड लेवल अप होने के कारण इवोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से वो एबीएसएल नाइट कमांडर में इवोल्व हो गया, एक ऐसा रेयर वेरिएंट मॉन्स्टर का जो कि सिर्फ एस रैंक के डंजन में ही मिलता है। जिसके बाद सैरा कैल्विन को बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है उसके साथ टाउन चलने में, क्योंकि उसने कभी भी आज तक मेंशन कभी भी लीव नहीं किया था। जिसके बाद एफिल सैरा को बताती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ के सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं, जिसको सुनकर सैरा खुश हो जाती है और साथ चलने के लिए मान जाती है। पार्थ में पहुंचकर सैरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सभी से पूछने लगती है कि ये क्या चीज़ है। तो कैल्विन कहने लगता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि सैरा को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कैल्विन गिल्ड से निकलता है, तो वो बताते हैं कि उसे रैंक ए पर प्रमोट कर दिया गया है। और कैल्विन को बताया गया कि जो डीमन को उन लोगों ने डंजन में मारा है, अगर वो रैंक ए से ज़्यादा मिला तो वो लोग उसे प्रमोशन एग्जाम के लिए यूज़ करेंगे। जिसके बाद कैल्विन अपने इन पर आता है तो उसे पता लगता है कि सभी लोग पार्टी कर रहे हैं क्योंकि अब कैल्विन रैंक ए पर प्रमोट हो चुका है। वहीं पार्टी में काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं तो सैरा को पता नहीं होता कि सभी लोगों को कैसे हैंडल किया जाए, और क्लेयर और एफिल के बीच में खाना बनाने का कंपटीशन हो रहा है। तभी कैल्विन बताते हैं कि उसे पता लगता है कि क्लेयर और उड़्व दोनों मैरिड हैं और सभी लोग मुझसे सैरा के रिलेशन के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, आज सैरा को और हम सभी लोगों को काफ़ी मज़ा आया। जिसके बाद रात हो जाती है, कैल्विन उठ के देखता है तो उसे पता लगता है कि सैरा अपनी जगह पर नहीं है। वहीं सैरा बाहर बैठी हुई विक्टर को बताती है कि उसे आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, जहाँ पर वो अपने बचपन की बातों को याद करती है, जहाँ पर विक्टर सैरा को प्रॉमिस करता है कि वो सी में ले जाकर सैरा को स्विमिंग सिखाएगा। जिसके बाद सैरा कहती है, मुझे याद आया कि मुझे तुम्हारे साथ सी पर जाना है और मुझे काफ़ी सारे माउंटेन और टाउन्स को भी विजिट करना है। मैं अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी जीऊँगी कि तुमने मेरी और मेरे फादर ने मेरी हेल्प करी है, तो मेरे को सिर्फ देखते जाना तुम। वहीं कैल्विन खिड़की के पीछे से सैरा को सुन रहा होता है और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।